नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक सवाल हमसे लोग हर कोई पूछते हैं कि सर छत का जब क्यूरिंग करते हैं, छत का तो बस ऊपर वाला सरफेस पे हम पानी तो दे दिए, लेकिन सर बीम के नीचे कहाँ पानी जा रहा है, जो लटक बीम है, तो क्या मेरा घर कमजोर बन जाएगा? बड़ा सवाल है। अब देखिए क्या है कि कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, जब कॉलम ढलाई करते हैं, डिसटरिंग करते हैं, चारों साइड से बोरा बांध करके जो है वाटर क्यूरिंग कर देते हैं। जब हम लोग जो है प्लिंथ बीम चाहे लिंटल बीम की ढलाई करते हैं, तो उसमें जो है प्रॉपर तरीके से चारों साइड से हम लोग जो है वाटर क्यूरिंग कर देते हैं। लेकिन छत की बात करते हैं, एक तो छत आपका सिर्फ टॉप सरफेस पे है वाटर क्यूरिंग कर रहे हैं, और बॉटम सरफेस तो वाटर क्यूरिंग नहीं हो रहा है, और लटक बीम तो और भी नहीं हो रहा है, और नीचे से कर भी नहीं सकते। क्यों भाई? क्योंकि सटरिंग प्लेट लगा हुआ है, वो तो 21 दिन बाद खुलेगा। तो क्या छत कमजोर हो जाता है? और अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि नहीं, कंक्रीट होते हुए, सरिया होते हुए नीचे तक पानी जा रहा है, तो आप गलत है। कभी भी कंक्रीट से पार पानी जा ही नहीं सकता। अगर कंक्रीट से पार पानी जाएगा तो सरिया तो मेरा जो है एक ही महीना में खराब हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो अब बात कर लेते हैं सबसे, अब ये क्या जो ऐसा प्रोसेस होता है, क्या वो सही है गलत, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम कुछ चीज पे डिस्कशन करते हैं कि भाई क्यूरिंग क्यों जरूरी होता है, रूफ बीम का जो है वाटर क्यूरिंग कैसे करेंगे, कॉलम वाटर क्यूरिंग करते हैं, फाउंडेशन वाटर क्यूरिंग करते हैं, प्लिंथ वाटर क्यूरिंग को लेकर के सब चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए क्या है कि क्यूरिंग क्यों जरूरी है, क्या क्यों करते हैं। देखिए सीमेंट जब भी पानी के साथ मिक्स होता है, कब कब मिक्स होता है, मोर्टार बनाने में और कंक्रीट बनाने में, जैसे मिक्स होता है कि वो उसमें रिएक्शन शुरू होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस जब होता है रिएक्शन शुरू होता है, तो क्या होता है कि रिएक्शन जैसे शुरू हुआ तो 30 मिनट के बाद वो जो है सेट होने लगता है, सूखने लगता है, और 10 घंटा तक पूरा ड्राई हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां तक तो ठीक है, फिर अब हमें जो है 24 घंटा के बाद उसको वाटर क्यूरिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये क्या है कि हाइड्रेशन प्रोसेस जो है ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत खत्म हो गया, ये हाइड्रेशन प्रोसेस जो है लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा। आप जो है इसको 21 दिन से 28 दिन तक लेके जा सकते हैं। अब क्या कहता है कि अब हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हीट जनरेट होता है, उसी हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग पानी का सहारा लेते हैं, और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब कि नमी बना रहे तो उस हीट को रिड्यूस कर सके। अगर उसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है तो आप हमें बता सकते हैं, पानी के अलावा तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक तो ठीक है। तो अब क्या चीज है कि अब नमी जो है, अब हम कॉलम की बात करते हैं, कॉलम को चारों साइड बोरा लपेट कर पानी वाटर क्यूरिंग कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। और बहुत लोग जैसे मान लिया जाएगी कि अगर यही बात है, बहुत लोग पहले ईट चिनाई कर देते फिर बाद में कॉलम करते, फिर उसका कॉलम का क्यूरिंग कैसे होता है? अगर एक भाग भी मेरा ओपन स्पेस है, जरा समझिएगा, एक भाग मेरा ओपन स्पेस है, अगर उसमें हम वाटर क्यूरिंग कर रहे हैं तो नमी को लेकर के जो है वो अपना जो हीट जनरेट हो रहा है उसको रिड्यूस कर लेगा। समझिएगा, वही सेम फंक्शन काम कर रहा है किसमें, आपका छत में। अब वो कैसे, जरा ध्यान दीजिए। तो अगर आप यहां पे देखेंगे जो हम लोग छत का तो टॉप हो गया, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये छत है, ये बीम है, इस तरीके से है, हम लोग तो मात्र पानी यहां दे रहे हैं ना, यहां तो नहीं दे रहे हैं। बीम बॉटम में अगर मान ले 10 इंची चाहे 12 इंची लटक है, 10 इंच इतना लटक है, इस पार्ट में तो पानी नहीं दे रहे हैं। और तो अब इसका हीट कैसे, तो यहां से जो हीट जनरेट होता है इस एरिया से, तो यहां भी बीम है आपका, तो यहां से इसको नमी मिल जाता है, तो इस हीट को रिड्यूस कर देता है। अब ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जैसे ब्रिक है,
ब्रिक ईट चिनाई के बीच में कॉलम बचा, तो इसका एक फेज भी मेरा ओपन तो रहता ही है। एक फेज में भी अगर वाटर क्यूरिंग किए तो आपका ऑटोमेटिक इस साइड और इस साइड का हीट को रिड्यूस कर देगा। हुआ क्लियर? इसलिए ये मत सोचिए मतलब कि पहले कॉलम पहले ईट जुड़ाई करेंगे बाद में कॉलम ढलाई करेंगे तो फिर वाटर क्यूरिंग कैसे होगा। वाटर क्यूरिंग बस हीट को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है और उसका कोई फंक्शन नहीं है। अगर मौसम ठंडा है, कुहासा है, तो उस समय जो है और भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार वाटर क्यूरिंग करेंगे तो सूखेगा ही नहीं। हाँ, ड्राई मौसम में जल्दी जल्दी सूख जाता है। हुआ यहाँ पे क्लियर? हाँ, ये फंक्शन कभी नहीं काम करता है कि भाई कि इस होकर के पानी आएगा यहां तक पहुंचेगा। ये फंक्शन कभी काम नहीं करता है। कंक्रीट से पानी कैसे पार हो सकता है? बस ऊपर का लेयर में नमी बना करके रखेगा, ठीक है, मॉइस्चर जिसको बोलते हैं। तो ये रहा दोस्तों, तो हुआ क्लियर? मतलब कि कोई भी सरफेस में अगर पानी है तो वो आपका हीट को रिड्यूस कर देगा, हर सरफेस में जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही जो है स्ट्रेंथ आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे वही सेम फंक्शन काम करता है प्लिंथ बीम में भी। प्लिंथ बीम का तो बॉटम में हम लोग पानी देते ही नहीं, नीचे तो ईट चिनाई रहता है, तब भी तो उसका स्ट्रेंथ ऊपर से पानी देते हैं। तो अब यहाँ एक और सवाल कुछ लोग का आ जाता है कि भाई वाटर क्यूरिंग को लेकर के जो है कितना कितना दिन वाटर क्यूरिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर आरसीसी मेंबर है तो वो आपको 10 to 14 डेज तक आपको वाटर क्यूरिंग करना है। वही अगर ब्रिक मशीनरी चाहे प्लास्टर का है आपको 7 to 10 डेज करना होगा। ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो दोस्तों ये था आपका कि बीम का जो है वाटर क्यूरिंग कैसे होगा। सेम वैसे फंक्शन आपका प्लिन फाउंडेशन का होता है, कॉलम का तो आपको समझा दिए, प्लिन बीम का वही, लिंटल बीम का वही, छत का बीम का भी वही, बस नमी बना रहना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर उसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।